NCWA राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता 1975 से शुरू हुआ था, लेकिन इन 48 वर्षों में पहली बार ऐसा लग रहा है कि यह खत्म हो सकता है। लेकिन क्यों, कैसे, कब? आप कहेंगे कि आपको ड्यू सितंबर अरियर मिला, मैंने वो सब खर्च कर दिया, अब क्या? वे रकम कैसे वसूल करेंगे? मैंने इसे घर बनाने में खर्च कर दिया है, या मैंने इसे अपनी बहन की शादी पर खर्च किया है, या नहीं नहीं मैंने एक नई कार खरीदी है, या मेरा सपना अपने लड़के को एक अच्छे कॉलेज में भेजना है। वे इसे कैसे बर्बाद कर सकते हैं? लेकिन 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 8 सितंबर को जबलपुर हाईकोर्ट से गैर कार्यकारी कर्मचारियों के लिए एक बुरी खबर आई, जहां फैसले में कहा गया है कि डीपीई को यह सुनिश्चित करना होगा कि केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का कोई उल्लंघन न हो। फैसले में साफ कहा गया है कि कोयला मंत्रालय अपनी मर्जी से NCWA XI को मंजूरी नहीं दे सकता। अब कोर्ट ने कहा कि अगर डीपीई अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कैबिनेट के फैसले का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, तो कोयला मंत्रालय NCWA को अंतिम रूप देने की मंजूरी के संबंध में परिणामी आदेश पारित करेगा, लेकिन यह 60 दिन के अंदर करना होगा। इसका मतलब है कि केवल डीपीई ही NCWA को बचा सकता है? क्या NCWA के दौरान डीपीई शामिल था? अब पूरा खेल शुरू से ही उस मोड़ पर आ गया जहां इसे जाना था। तो क्या हम बर्बाद हो गए हैं? NCWA एक्सन को कोई नहीं बचा सकता? वेट, यहां तस्वीर में CIA लाती है, जिसने अदालत से स्थगन आदेश के लिए अपील की है। क्या यह काफी है? जैसा मैंने कहा, वेट, बूम। सभी 5 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आज हड़ताल का आह्वान किया है, अगर श्रमिकों को सितंबर से NCWA 10 के अनुसार वेतन मिले। क्या यह समाधान है? हड़ताल कभी भी समाधान नहीं हो सकती, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यूनियनें ठगा हुआ और अपमानित महसूस कर रही हैं, क्योंकि उनका समझौता अब अमान्य हो गया है। यूनियनों का कहना है कि वे कर्मचारियों के साथ हैं और अपने हितों को बचाने के लिए हड़ताल करने से भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। भविष्य में क्या हो सकता है? 1. PRC अपग्रेडेशन। अधिकारियों के वेतन मान को PRC कहा जाता है, और लंबे समय से अधिकारी अपने वेतन को महारत्न वेतन मान के अनुसार बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अगर इन 60 दिनों में ऐसा होता है, तो अधिकारियों और गैर अधिकारियों के वेतन के बीच का अंतर बदल जाएगा, जिससे समस्या का समाधान हो सकता है। 2. न्यायालय से स्टे ऑर्डर। जैसा कि आप जानते हैं, CIL ने पहले ही स्टे ऑर्डर के लिए डिवीजन बेंच में अपील की है। अगर ऐसा होता है और कुछ और महीनों तक जारी रहता है, तो संभावना हो सकती है कि कोयला मंत्रालय PRC अपग्रेडेशन को मंजूरी दे सकता है, लेकिन फिर भी कई लोगों को यह दिवास्वप्न ही लगता है। 3. NCWA XI समाप्त। यदि CIL और यूनियनें विफल हो जाती हैं, तो संभावना है कि NCWA XI को समाप्त कर दिया जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है। जिन खुशियों का इंतजार 26 महीने से हो रहा है, वो शायद चंद सेकंड में ही खत्म हो जाएंगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। NCWA से संबंधित अधिक खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें।